गुड मॉर्निंग सुप्रभात, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। सुबह के 6 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सुपर फास्ट का। आइए नजर डालते हैं छोटी बड़ी खबरों पर। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी गोरेलाल सिंह समेत दो अन्य को किया गिरफ्तार। एक कार्बाइन, एक पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 11 कारतूस किया बरामद। लूट के रकम के साथ दो अपराधी गिरफ्तार, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को बनाया था निशाना। बेगूसराय के छौराही के पुल पथार गांव से पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना के महज कुछ ही दूरी पर रात के अंधेरे में डकैतों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश, खिड़की के रास्ते घुसे बैंक में, चोरी करने में रहे नाकाम। भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर यूनाइटेड बैंक का है मामला। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी, 4 लीटर महुआ शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार। बीरपुर थाना क्षेत्र के जगदर गांव से पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकान का दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के नौरंगा पुल पटेल पथ का है मामला। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर सवारी गाड़ी नहीं चलने पर लोगों ने हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर किया धरना प्रदर्शन, ट्रेन खोलने की मांग। शराब माफिया के खिलाफ एक्शन में समस्तीपुर पुलिस, एक सप्ताह के अंदर 700 लीटर देसी शराब किया बरामद, 5 कारोबारी पर किया। बेगूसराय के खुदामंदपुर के फफौत में हुए हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव एवं खुदामंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत से पुलिस ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना परिसर में 288 लीटर शराब किया गया नष्ट, उजियारपुर थाना के थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। प्रखंड विकास पदाधिकारी से नाराज होकर पंचायत समिति सदस्य ने प्रखंड कार्यालय में किया हंगामा, योजनाओं को खुलवाने के लिए कार्यालय का लगा रहे थे चक्कर, चेरिया बरियापुर प्रखंड का है मामला। मधुबनी जिले में 16 जनवरी से शुरू होगा कोविड-19 टीकाकरण। टीकाकरण के लिए 11 सत्र स्थलों का किया गया चुनाव, निर्वाचन बूथ के अनुसार किया जाएगा टीकाकरण। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकता गांव का है मामला। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन भर के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें बीटी न्यूज बिहार।